हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में इसमें हम लोग आशा बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले कैसे हम लोग कुछ इस तरह का रील्स जो कि अभी इंस्टाग्राम में बहुत ट्रेंडिंग या वायरल जा रहा है, आप भी खुद के फोन के अंदर कुछ इस तरह का रील बहुत इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट करके अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को कौन सा एप्लीकेशन लगेगा, कैसे आप लोगों को करना, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो को बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब करते जाइए। तो चलिए स्क्रीन की ओर। तो वैसे आप लोग प्रीव्यू में देख चुके होंगे कि ऊ ना 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 इस तरह का एक रील अभी इंस्टाग्राम में बहुत वायरल जा रहा है। अगर आप लोग कुछ इस तरह के रील बहुत इजीली या एक क्लिक में एडिट करना चाहते हैं, इसके लिए आप लोगों को बस दो चीज़ का जरूरत होगा। सबसे पहले आप लोगों को लगेगा एक VN एप्लीकेशन, जो कि एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। अगर आपके पास नहीं है VN एप्लीकेशन, आप लोग जाइए प्ले स्टोर में, उसके बाद बहुत इजीली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों को एक प्री एडिटेड फाइल आएगा, जो कि आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक डायरेक्ट दिया गया है। ये रहा वो फाइल ऊ ना ना, जो कि 16 इमेज मैं ऑलरेडी ब्रैकेट में लिख के रखा हूँ। आप लोगों को कितना इमेज का ज़रूरत होगा, 16 इमेज। इस फाइल को आप लोग टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दो बार मैंने ये बता दिया, आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कहाँ पे है डाउनलोड लिंक, कोई बात नहीं। आप लोगों को इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको शेयर करना है। कहाँ पे शेयर करना है, जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम में कुछ फ़ोटो शेयर करते हैं या टेलीग्राम में कुछ या व्हाट्सएप में कुछ डायरेक्ट फोटो या वीडियो आप लोग शेयर कर दो, कुछ इस तरह के आप लोगों को इस चीज़ को पकड़ के रखना है। उसके बाद आप लोगों को इसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आप लोगों को कहाँ पे सेंड करना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं, आप लोगों को शेयर करना है VN एप्लीकेशन में। VN एप्लीकेशन जाने के बाद कुछ इस तरह के नीचे देखिए ओपन प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों को टैप कर देना है। टैप करने के बाद थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद देखिए ये आ गया प्री एडिटेड फाइल। इधर मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए म्यूज़िक ऐड करके रखा हूँ, पिक्चर बस इधर मैं मेरा खुद का पिक्चर ऐड किया था, उसको मैं रिप्लेस कर दिया। नीचे देखिए रिप्लेस इमेज ये लिखा हुआ रहा है ना, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद रिप्लेस में क्लिक करना है। रिप्लेस में क्लिक करने के बाद कोई भी एक फोटो या वीडियो आप लोग इसके सबसे पहले जो आता है ना, उसको आप लोग इजीली ऐड कर सकते हैं। मैं एक फ़ोटो आप लोगों को ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह के ये वीडियो लगेगा म्यूज़िक के साथ। मैं आप लोगों को अभी म्यूज़िक नहीं सुना पा रहा क्योंकि कॉपीराइट इशू के लिए। देखिए जितना सारा रिप्लेस इमेज है, इधर आप लोगों को 16 इमेजेस लगेगा, आप लोगों को इधर 16 इमेजेस को इस तरह करके ऐड करते जाना है। देखिए रिप्लेस फ़ोटो, फिर से मैं ये वाला फ़ोटो को इधर रिप्लेस कर दे रहा हूँ। कोई भी एक फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो, ये रहा ये वाला फ़ोटो। देखिए कुछ इस तरह करके आप लोग खुद का कोई भी 16 फ़ोटो इधर ऐड कर दीजिए। मैं ऑलरेडी इफेक्ट भी ऐड करके रखा हूँ और इसका जो म्यूज़िक है वो भी मैं ऐड करके रखा हूँ। तो इसका जो डाउनलोड लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ भी पूछने की जरूरत है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग भर भर के पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, टॉप राइट कॉर्नर में देखिए सब इमेजेस को रिप्लेस करने के बाद टॉप राइट साइड दिया आप लोगों को दिखेगा एक्सपोर्ट का बटन, इसके ऊपर आप लोगों को टैप कर देना है। टैप करने के बाद नीचे देखिए राइट का ऑप्शन है, फिर थोड़ा इंतजार करना है, बहुत इजीली ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और आपके गैलरी के अंदर अभी सेव नहीं होगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए जितना देर ये एक्सपोर्ट हो रहा है ना। और नीचे एक बटन आएगा सब्सक्राइब बटन लाल कलर का, आप लोग उसको जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है एक्सपोर्ट होने में। इसके बाद आप लोगों को नीचे देखिए एल्बम करके आएगा, सेव टू एल्बम, इसके ऊपर आप लोग जब भी टैप कर देंगे ना, ये आपकी गैलरी के अंदर बहुत इजीली सेव हो जाएगा। तो वैसे आशा करता हूँ इस तरह के इंस्टाग्राम रील बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आया। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है ना, नीचे कमेंट सेक्शन है, जाइए कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा ना, तो जरूर लाइक कर दीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।